हेलो फ्रेंड्स, आज हम जॉइंट सिटिंग के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे इसका डेफिनेशन, कौन इसे कॉल कर सकता है, कौन इसे प्रिसाइड करता है, कौन से आर्टिकल में है, कब ये बुलाए जा सकते हैं और कब नहीं, और कुछ पास्ट इंस्टेंसेस भी हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रजाक, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके प्रजाक स्टडी गाइडेंस रख दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं सो दैट आपको इजीली आप कॉपी भी कर सके। देखिए, स्टार्ट करते हैं जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग से आप क्या समझ सकते हैं? अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो कोई दो बॉडीज है जिनमें आपस में बनती नहीं है, तो उनको साथ में एक ही बोर्ड पे, एक ही टेबल पे लाया जाए और काम किया जाए। ठीक है, देखिए, जॉइंट सिटिंग इज अ मशीनरी टू रिजॉल्व द डेडलॉक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस, कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा, ओवर अ पासेज ऑफ अ बिल। कोई भी एक्ट बनने से पहले वो बिल होता है, वो बिल अगर एक हाउस से दूसरे हाउस में पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, तो ही वो बन पाता है एक्ट। पर ये इस प्रोसीजर में कुछ कभी कभी हर्डल्स आते हैं, और वो हर्डल्स को ठीक करने के लिए, वो हर्डल्स ओवरकम करने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। देखिए, कौन कॉल कर सकता है जॉइंट सिटिंग? गवर्नर, कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कोई मिनिस्टर, बिल्कुल नहीं। बट ये पावर सिर्फ और सिर्फ एक प्रेसिडेंट को ही होती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल कि प्रेसिडेंट ही कॉल कर सकता है जॉइंट सिटिंग बिटवीन द टू हाउसेस। कौन प्रिसाइड करता है? पहले द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फर्स्ट प्रेफरेंस होती है स्पीकर। अगर दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है, उनका अगर जॉइंट सिटिंग होना है तो उसे प्रिसाइड करता है स्पीकर। अगर स्पीकर एबसेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर, और अगर वो भी एबसेंट है तो आता है डेप्यूटी चेयरमैन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेप्यूटी, डेप्यूटी चेयरमैन, नॉट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि ओके, स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो चेयरमैन होगा। नहीं, ये देखिए, ये डेप्यूटी चेयरमैन है। ठीक है, आपको मैं एक थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं तो स्पीकर जो है वो आर्टिकल 93 में मेंशन है कि लोकसभा के पास एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। वैसे ही आर्टिकल 64 में कहा गया है कि द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा की मीटिंग्स जो भी है वो प्रिसाइड करता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जो ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो मेंशन्ड है आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 63 से इलेक्शन होता है, सॉरी, चूज किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कब ये हो सकता है, कब जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है? हम वापस आते हैं जॉइंट सिटिंग के पास। जॉइंट सिटिंग कब पॉसिबल है? इन केस ऑफ डेडलॉक, हमने डेफिनेशन में भी देखा, डेडलॉक जब तीन टाइप का हो तभी ही जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है। पहले, व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय वन हाउस बट रिजेक्टेड बाय द अदर। एग्जांपल के तौर से समझिए कि लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें वो पास भी हो गया, अब वो जाएगा राज्यसभा के पास। हम ऑर्डिनरी बिल्स की बात कर रहे हैं, मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में नहीं। इसके बारे में आपको मैं आने वाले स्लाइड में बताऊंगा कि मनी बिल जो है वो ज्यादा पावर होता है लोकसभा के पास इन रिगार्ड्स ऑफ मनी बिल। ओके, तो ऑर्डिनरी बिल की अगर हम बात करें तो देखिए, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है, वहां पे पास भी हो गया, फिर आता है राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा खुश नहीं है इस बिल से। देखिए कैसा होता है ना, कि एक पार्टी मेजॉरिटी में हो सकती है लोकसभा में, बट ये जरूरी नहीं है कि वही पार्टी राज्यसभा में भी मेजॉरिटी में हो। ठीक है, तो कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, इसलिए वो बिल एक्ट में नहीं बनता। तो आते वापस, लोकसभा की बात आ गया है राज्यसभा में और राज्यसभा खुश नहीं है, तो क्या करें? बिल तो भाई एक्ट बनाना है, तो अभी क्या करें? तो प्रेसिडेंट कॉल करता है एक जॉइंट सिटिंग बिटवीन द टू हाउसेस, बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गया।
नेक्स्ट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है ओवर द अमेंडमेंट्स मेड इन द बिल, फॉर एग्जांपल लोकसभा में, वही एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप लोकसभा का राज्यसभा भी कर सकते हैं, ओके कि राज्यसभा में भी बिल्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है बिल, लोकसभा में पास भी हो गया है बिल, अब वो आ गया है राज्यसभा के पास, राज्यसभा भी खुश है इस बिल से, ओके बट वो बोलता है कि ओके बिल अच्छा है पर कुछ अमेंडमेंट्स में कुछ चेंजेस सजेस्ट करता हूं, तो मैं वापिस चेंजेस देता हूं लोकसभा के पास, पर अभी लोकसभा बोलता है नहीं भाई मुझे तो नहीं पसंद, ये अमेंडमेंट्स नहीं होने चाहिए, ये देश के हित में नहीं है, तो ये आ गया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वापिस, तो ये भी एक क्राइटेरिया बन गया फॉर ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, आ गए हम यहां पर, प्रेसिडेंट कॉल करेगा। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, इफ मोर देन 6 months हैव इलैप्स्ड, 6 महीने अगर हो गए हैं कोई भी बिल को, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है बिल, लोकसभा में पास हो गया है बिल, वो जाता है राज्यसभा के पास, और अभी राज्यसभा 6 महीने तक उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, तो भी प्रेसिडेंट कॉल कर सकता है फॉर द ज्वाइंट सिटिंग। देखिए हम यहां पे ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में बात कर रहे थे, मनी बिल के बारे में नहीं। मनी बिल में क्या होता है कि लोकसभा के पास बहुत ज्यादा पावर्स होते हैं, लोकसभा पहले तो मनी बिल इंट्रोड्यूस ही होता है विद द प्रेसिडेंट्स परमिशन, ठीक है, फिर उसके बाद लोकसभा उसे पास कर देती है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करती है लोकसभा में, वो पास हो जाता है और वो आता है राज्यसभा के पास, राज्यसभा के पास केवल 14 डेज होते हैं उस चीज को, उस मनी बिल को एक्सेप्ट करने के, और अगर कोई अमेंडमेंट्स हो तो वो सजेस्ट करने के। इन बोथ द केसेस अगर वो रिजेक्ट भी करता है राज्यसभा, अगर वो 14 दिन के बाद भी नहीं देता और कोई अमेंडमेंट सजेस्ट करता है या नहीं भी करता, तो भी द होल पावर लाइज विद द लोकसभा कि उन्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं राज्यसभा के अमेंडमेंट्स या फिर कोई भी सजेशंस। सो द अल्टीमेट पावर लाइज विद लोकसभा इन केस ऑफ मनी बिल। बट आते हैं ज्वाइंट सिटिंग के पास। नेक्स्ट, कब ये कॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमने देखा कि कौन से केसेस में कॉल किया जा सकता है, अर्लियर केसेस, ये 3 केसेस। अब देखते हैं कि कब कॉल नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया मनी बिल, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखते हैं वापस मनी बिल, क्यों भाई क्यों नहीं कर सकते। देखिए मनी बिल में लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स होते हैं, वो बनाया ही ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोकसभा हैज मोर ओवरराइडिंग पावर्स ओवर राज्यसभा इन केस ऑफ मनी बिल। राज्यसभा कैनॉट इवन अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल। ठीक है, अगर अमेंडमेंट्स कोई सजेस्ट करता भी है, सो इट इज ऑन द डिस्पोजल ऑफ लोकसभा कि उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं, और जैसे मैंने आपको बताया इट शुड रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज। अगर वो नहीं भी करता तो भी लोकसभा बोलेगी हम जैसा का तैसा बिल पास करते हैं, उसे एक्ट बना देते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई क्यों नहीं है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है ना, वो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट अगर करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आर्टिकल 368 में मेंशन किया है। ठीक है, अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने देखा कि भाई अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस लाना है, सो इट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक एंड नॉट मियर पार्टी पॉलिटिक्स। ठीक है, सो इसलिए बहुत ही सोच समझ के उन्होंने बोला कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भी ये बिल अपने आप एक मेजॉरिटी से पास होने चाहिए। अभी देखिए अगर सिर्फ ये ज्वाइंट सिटिंग हो इन दोनों का, तो लोकसभा तो जीतेगी ना भाई, लोकसभा में मेंबर्स है 545, अभी फिलहाल प्रेजेंट है 543, पर वो ऑफिशियल काउंट है 545, राज्यसभा के पास है सिर्फ 245, तो पावर की किसके पास हुई, लोकसभा के पास ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो भी होगा वो दोनों भी हाउसेस इंडिविजुअली पास करेंगे भाई, उसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। व्हाई, टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम। देखिए राज्यसभा जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, लोकसभा जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करती है, तो सेंटर और स्टेट्स, ठीक है, उनमें इक्विलिब्रियम बना रहे, ये इक्विलिब्रियम बिगड़े नहीं, इसलिए ये स्टेप उठाया गया है कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं पॉसिबल
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। नेक्स्ट, कब कब हुआ है ये? देखिए, तीन बार, जब से 1950 से लेके आज तक, 1950 से लेके आज तक, ये तीन बार जॉइंट सिटिंग हुआ है। फॉर डाउरी प्रोहिबिशन बिल इन 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल इन 1977, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल इन 2002। ठीक है, तो आप ये मेंशन कीजिए। आप अगर अपने मेंस के आंसर में सपोजिटली ये 10 मार्क के लिए आता है, तो आई गारंटी यू कि आपको 8 मार्क तो डेफिनेटली मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक्सटेंसिवली कवर किया है। डेफिनेशन, कौन कॉल कर सकता है, कौन प्रिसाइड करता है, कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है, और हमने कुछ इंस्टेंसेस भी दिए हैं। आपको कोई भी दूसरा बुक रिफर करने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। दिस इज माई ट्विटर हैंडल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।